दोस्तों पूरे के पूरे 10 टीवी चैनल आपको डीडी फ्रेंड्स पर देखने को मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ में दोस्तों नए टीवी चैनलों की भी शुरुआत होने वाली है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है देश के नंबर वन डीटीएस रिलेटिव यूट्यूब चैनल साहिल चैनल लिस्ट में। दोस्तों आप सभी को मालूम है डिश टीवी के द्वारा चलाए जा रहे न्यूज के टीवी चैनल, जहाँ पे जी सलाम था, जी पंजाब हरियाणा था और तमाम सारे न्यूज के चैनल थे, उन सबको बंद कर दिया गया है। बंद नहीं किया गया है, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे इन चैनलों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ये डिश टीवी के प्लेटफॉर्म पे, डिश टीवी के सेटअप बॉक्सों पे ये सभी टीवी चैनल चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों डीडी फ्रीडिस पर अब जो 10 चैनलों की कमी है वो कमी कैसे पूरी होगी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, याद रखिएगा आपको मिल सकता है हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बिल्कुल फ्री में फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे डीडी फ्रेडिस पर नए चैनलों की। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है डिश टीवी और डीडी फ्रेडिस, अगर डिश टीवी पे कोई टीवी चैनल फ्री होता है तो वो डीडी फ्रेडिस पे अगर हमारी डिश लगी है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं MPEG-2, MPEG-4। अगर HD है तो MPEG-4 में हम देखेंगे, और अगर MPEG-2 वाला है तो MPEG-2 और MPEG-4 दोनों में देखेंगे, नॉर्मल अगर कोई चैनल है तो। तो दोस्तों डिश टीवी ने जो चैनल डीडी फ्रेडिस पे चल रहे थे उनको ब्लैंक स्क्रीन कर दिया है, यानी कि दोस्तों कलर बार कर दिया गया है। तो दोस्तों अब कलर बार कर दिया गया तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो दोस्तों कलर बार क्यों किया गया है थोड़ा ये सोच लो आप लोग, कलर बार क्यों किया गया है? अगर चैनल हटाना ही था तो भैया एकदम साफ हटा देते, उनको कलर बार क्यों किया गया? तो दोस्तों न्यूज़ के चैनलों को सिर्फ हटाया गया है, और यहाँ पर आपको रीजनल चैनल्स हैं, जहाँ तक हमारी डिश टीवी से मैंने ईमेल पे मैंने बात किया है, चैट पे बात किया है, मुझे खबर मिली है कि जो रीजनल चैनल हैं ये आपको डिश टीवी के प्लेटफार्म के थ्रू डीडी फ्रीडिस पर देखने को मिलने वाले हैं। और जहाँ तक ये सारी खबरें यूट्यूब पर चल रही हैं कि डीडी फ्रीडिस ने आपत्ति किया, डिश टीवी के चैनल क्यों डीडी फ्रीडिस पर चल रहे हैं, तो वो एक अलग सेटेलाइट है। अगर मान लो 93.5 डिग्री ईस्ट डीडी फ्रेडिस की सैटेलाइट है, और वहीं पर 93.6 अगर कोई और सैटेलाइट वहां पे आ जाती है और वो अपने चैनलों को फ्री टू एयर दिखाती है, तो इसमें डीडी फ्रेडिस कोई आपत्ति नहीं कर सकता, या कोई भी सैटेलाइट एक दूसरे पे आपत्ति नहीं कर सकती। अब जैसा कि आपको मालूम ही है 93 पे डीडी फ्रेडिस है, और उसके बगल में आपको 95 है, उसके बगल में 91 है, तो एक दूसरे पे अगर ये आपत्ति करेंगे तो बगल वाली भी सैटेलाइटें इनके ऊपर आपत्ति कर सकती हैं कि मैं डिश टीवी हूँ और आपके 93 डिग्री ईस्ट पर ये चैनल फ्री टू एयर चल रहा है, या उधर 100 डिग्री 100 डिग्री पे ये चैनल फ्री चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए, या तो 91 डिग्री ईस्ट पे अगर कोई चैनल होम चैनल, ये सन का जो होम चैनल है न्यूज का ये चलता रहता है, इस पर भी तो आपत्ति की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। तो दोस्तों ये जितनी भी अफवाहें यूट्यूब पे लोग उड़ा रहे हैं ये सारी की सारी अफवाहें बकवास अफवाहें हैं, और ये सारी की सारी अफवाहें दोस्तों टोटल फेक अफवाहें हैं, जो कि भैया मसाला कुछ चाहिए यूट्यूब पर बस और कुछ नहीं। बाकी दोस्तों मैं फुल फॉर्म में आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में, ऐसे ही ज़बरदस्त अपडेट मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए, टेंशन फ्री रहिए। डिश टीवी पे आपको नए चैनल अतिशीघ्र देखने को मिलेंगे, जितने भी फ्रीक्वेंसियाँ आपको कलर बार आ रही हैं यानी टेस्ट मोड में आ रही हैं, जितनी फ्रीक्वेंसियों पे लाल हरी नीली पट्टियाँ आ रही हैं उसे कलर बार कहते हैं, उन पे आपको चैनल बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों ये छोटी सी अपडेट हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद।